है रुखसार सर जी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद अशरफ, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं लोग सर की वीडियो। वीडियो का टाइटल है इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में हलाल होते पाकिस्तानी है? देखते हैं भाई पहले वीडियो क्या है, फिर पता चलेगा किस तरह हलाल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है। इसका टाइटल है पेट्रोल 273 इन पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पेट्रोल प्राइस कंपैरिजन। चलिए भाई देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। भाई पेट्रोल बम फूटा है भयंकर तरीके से, और अभी एक ही फूटा है यार, अभी तो चार पांच बार और फूटने हैं। सर आप, मैं जॉब होल्डर हूँ। जॉब होल्डर हैं, मुझे ये बताएं कि आज 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, क्या कहना चाहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए सर, एक तो महंगाई पहले ही बहुत थी, गरीब आवाम जो है वो अब ऑटो से भी गई, बाइक वगैरह से, गाड़ी तो हर किसी के बस की बात नहीं है रखना, मोटरसाइकिल ही था, अब वो मोटरसाइकिल ये छीन लेंगे, साफ ज़ाहिर है लोग साइकिल पर ही आ जाएंगे। ये तो सवाल आपका बेसिक उनसे बनता है जो इनको लेकर आए थे। ठीक है, 1.5 साल से इन्होंने मुल्क में यानी कि राज संभाला हुआ है अपना। गुर्बत देखें, आपको भी पता है गुर्बत की लकीर पहले भी बहुत कम है, अब ज़्यादा हो गई। कितना एक आम जो सिटीज़न है, जो लाहौर में रह रहा है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, इफ़ेक्ट होता है इस तरह के डिसीजन से जो गवर्नमेंट लेती है? सडन 20 रुपये बढ़ा दिए, 273 रुपये लीटर हो गया। सर अब इसका जवाब मैं आपको कैसे दूँ, किस अल्फाज में दूँ? ठीक है ना, देखिए आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह। एक चीज़ होता है ना, या तो पहले आवाम को बता दिया जाता है, 5 रुपये कम करते हैं, 20 रुपये 25 रुपये 15 रुपये बढ़ा देते हैं। या तो ये है कि फिर ये IMF को खुश करने के लिए कर रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल में वो IMF से कर्ज़ा इनको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, अभी तक वो डिलीवर नहीं हुए पैसे, इस वजह से उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है। सर उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आम जो पब्लिक है वो तो सफ़र हो रही है ना इन तमाम चीज़ों से। तो सर असल पाकिस्तान की आवाम है ही ऐसे, या तो ये फिर तुर्की की आवाम की तरह बन जाए अगर इनकलाब लाना चाहती है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान भी अकेला इनकलाब नहीं ला सकता। ठीक है, उसके साथ भी आवाम जस्ट सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर खड़ी हुई है, बाकी ये तो नहीं, आवाम कौन सी साथ है सोशल मीडिया पर उसके साथ है। 9 मई का वाक्य आपके सामने हुआ है, अब दोबारा अगर खुदा ना खास ऐसा वाक्य होता है PTI की आवाम नहीं निकलेगी। मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपनी नेबर कंट्री भारत की आपसे बात करूं, तो करंट टाइम के अंदर वहाँ पे पेट्रोल प्राइस अगर देखा जाए तो वो 100 रुपये लीटर जा रही है, और बड़े ही अरसे से हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वहाँ पे स्टेबल है ना, अप डाउन बहुत ज़्यादा नहीं देखने में आ रहा, लेकिन पाकिस्तान में हर नए दिन के साथ कोई नई प्राइस आई होती है, हर रात 12 बजे डर ही लग रहा होता है कोई नया ऐलान ना आ जाए। सर यहाँ पे कानून नहीं है बेसिक, ये वहाँ पे कानून है, भारत में कानून है, में कानून है, हमारी 5 गुना हमसे ज़्यादा आबादी है भारत में, लेकिन वहाँ पे कानून है भारत में, ये नहीं है कि कानून नहीं है, वहाँ पे कानून है, अमल दरामद होता है, लोग टैक्स भी पे करते हैं, ये बात नहीं, यहाँ पे आप टैक्स पे नहीं करते, साफ ज़रा ये बोझ गरीब वहाँ पर जाता है। मुझे ये बताएं, एक सरकारी गजेटेड अफ़ीसर असिस्टेंट कमिश्नर का हम कह लें या DC का कह लें, पेट्रोल गाड़ी घर की बिजली वगैरह सब फ्री है, आप और मैं बिजली का बिल पे करते हैं, पेट्रोल का बिल पे करते हैं, अफसराने वाला ने कब पे करना होता है? लेकिन सर ये तो हर कंट्री के अंदर मराद दी जाती हैं, हर कंट्री के अंदर मराद दी जाते हैं, तो वहाँ पे असूल पाकिस्तान की जैसे नहीं है, वहाँ पे भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल। हाँ जी देखे है ना, अब वहाँ पे देखे अगर जो गरीब है उसको सैलरी भी जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की होती है वही मिलती है, ये बात नहीं है कि अगर मेरे एक फर्म है, मुझे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया बजट में कि 35,000 रुपये या 30,000 रुपये सैलरी है मजदूर की, मैं अपनी मर्जी से उसे 18,000 रुपये देता हूँ, मुझसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। या तो हो कि मेरे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एक ज़िले का मालिक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, वो मेरी सर्जिश करे, वो मेरी कंपनी को सील करे कि भाई आप पे पूरी दें। अब 18,000 रुपये अगर मेरी सैलरी, तो मेरे ख्याल में मेरा तो गुजारा नहीं होता 18,000 में लाहौर में रहकर। इंडिया में जो कानून है ना सर, वो हर बंदे के ऊपर नाफिज़ हैं और वो कानून जानते हैं, बेशक हमसे ज़्यादा गुर्बत है वहाँ पे, लेकिन कानून है। आप देख लें मोदी की गवर्नमेंट को 9 से 10 साल हो गए, हमसे ऊपर चढ़े गए हैं, हम सिर्फ अब देखते हैं अभी 9 मई के वाक़े के जी मुलजमान अभी तक हमें नहीं मिल रहे। वो भाई चलो हम वो जो लाए थे PDM को, हम उनसे कहते हैं जी कल बाजोड़ में एक धमाका हुआ है, अफसोसनाक वाक़ा हुआ है। कितने अफराद भी, मतलब 40 से 50 के लगभग अवाम जो है ना अफराद JUIF के शहीद हुए हैं, हम कह सकते हैं शहीद कह सकते हैं, फौत हो गए या मर गए हैं, ठीक है ना,
उनका ढूंढ लिया, मास्टरमाइंड कौन था उनका, हमारी माशाल्लाह ISI दुनिया में नंबर वन एजेंसी है। आपने लास्ट टाइम एक देखी होगी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, इंडिया के आर्मी के कैप्टन था या मेजर की तरफ से कि वो पाकिस्तानी अवाम है ना जो सियासतदान है वो सिर्फ पेट पे जोर दे रहे हैं उनके। हमारी देखे आबादी कितना है, एक बॉर्डर के ऊपर आई हुई थी वाघा बॉर्डर के ऊपर, उनकी अवाम देखनी थी और हमारी अवाम देखनी थी, हमारी अवाम तो उनके बराबर 1% भी नहीं थी। देखिए उन्होंने अभी एक एटमी धमाका किया उन्होंने, एटमी धमाका किया, कब किया हमने भाई एटमी धमाका यार, हमने कोई एटमी धमाका नहीं किया भाई, कहां से चंडू खाने की खबरें आती हैं यार। और ये भी चंडू खाने की खबरें हैं कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है, गरीबी है। अरे खौफ खाओ यार कुछ लोग, आप लोग जब भी आप ये बात बोलो ना कुछ डेटा बताओ, दो डेटा कि देखिए पाकिस्तान में भारत से कम गरीबी है, पॉवर्टी का जो है वो भारत से कम है, और नहीं तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनकी रिपोर्ट पर जाकर पढ़ें, उस पर भी भरोसा नहीं हो रहा। आपने अपने यहां के इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बातों को सुने, सुनिए। पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है, उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब है। वहां क्राइसिस आया है फ्लड की वजह से, पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं, तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। तो जनाब 75% लोग आपके यहाँ गरीब हैं, भारत में गरीबी 10% से भी नीचे है, समझ रहे हैं आप, 10% से भी नीचे, और एक्सट्रीम पॉवर्टी तो हमने 1% से भी नीचे ला दी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम हो गई। और यूएन की रिपोर्ट है जाकर पढ़ लीजिए, पिछले 15 साल में हमने 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। हम काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे यहां गरीबी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से कम गरीबी है हमारे यहां, जाकर पढ़िए। चंद्रयान 3 अगर देखा जाए जो मून मिशन है वो उनका कितना सक्सेसफुल रहा है, पूरी दुनिया ने उसको मतलब अप्रिशिएट किया सर, सराहा है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एटम बम धमाके होते हैं, कोई स्ट्राइक कर रहा है वहाँ पे जो पुलिस वगैरह लाठी चार्ज करती है, अफसराने वाला को यही हुक्म होता है, चाहे PTA की गवर्नमेंट हो चाहे PDM की गवर्नमेंट हो, पुलिस ने तो आर्डर अपने अफसरों के मानने होते हैं। अवाम बाढ़ में क्या वजह है कि अगर नरेंद्र मोदी की आपने बात की 8-9 साल से गवर्नमेंट के अंदर है, उनकी वहाँ पे हुकूमत है, पूरी दुनिया के अलावा अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की स्पेशली मैं बात करूं तो वो ना सिर्फ उनको अपनी कंट्री के अंदर इनवाइट कर रही हैं बल्कि गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ अवार्ड्स भी नवाज रही हैं। जबकि मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने कामयाब सियासतदान नहीं है, उन्होंने अपनी आवाम को देखें कितना जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि पूरी दुनिया का देखने का जो जाविया है वो अलग है और पाकिस्तान का कोई एक ख़ास जाविया है जो पब्लिक को दिखाया जाता है। सर ये खुद चोर हैं, देखें ना, ठीक है मुसलमानों पर उन्होंने जुल्म ढाए हैं नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जब से हुकूमत उसने संभाल लिया उसने पीछे अपने जो गुजरे हुए लम्हात ख़त्म कर दिया, उसने अगली का सोचा है, अगली हुकूमत अगले अपने मुल्क का सोचा है उसने, हमारे तो एक दूसरे के बाजू भी एक दूसरे से गिरबान को भी निचोड़ते, इमरान शहबाज शरीफ को हिट कर रहा है, शहबाज शरीफ इमरान को हिट कर रहा है, इमरान जरदारी को हिट कर रहा है, जरदारी शहबाज को हिट कर रहा है। आप लाहौर में रहते हैं, आपका दिल नहीं करता है बुलेट ट्रेन चले तो आप लाहौर से कराची का जो सफ़र है वो बुलेट ट्रेन में करें, वहाँ पे चल रही है, जापान चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान में के शहरी को क्यों नहीं बुलेट ट्रेन मिल रही। नरेंद्र मोदी की आपने बात की कि जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है, मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और जब वहाँ पे इंटरव्यू किए गए तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के आप हालात नहीं देख रहे कि पाकिस्तान अभी मौजूदा किन हालात में है, हम तो भारत में बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उधर का मुसलमान कह रहा है।
मतलब इंडिया में रहने वाला मुसलमान ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम भारत में अगर रह रहे हैं तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ का आप लाइफस्टाइल देख लें, हर चीज़ हमें ज़रूरत की मिल रही है, जहाँ पे आलू तक जो है वो 10 रुपये के पता नहीं कितने कितने किलो आ रहे हों और वही आलू यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये किलो हों, तो आपको लगता है कि वहाँ का मुसलमान ज़्यादा खुश है या यहाँ का ज़्यादा खुश है? साफ ज़ाहिर है सर, वहाँ का मुसलमान खुश है। देखिए ना, आप अभी आज से पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन कम हो जाए, आपका मुल्क तरक्की करेगा, छोड़ें इन झगड़ों। 75 साल हो गए और आज तक भला नहीं हुआ, 75 साल हो गए आज तक आप लोग एक नहीं हुए, 75 साल हो गए एक प्रधानमंत्री आपने 5 साल तक के लिए नहीं कर दे पाए, जो आए और 5 साल एक साथ काम कर पाए वो भी नहीं दे पाए हैं आप, 75 साल हो गए यही कहते कहते कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 1947 में जैसा था उससे भी बुरा हो चुका है पाकिस्तान 75 साल में, लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, आपका देश नीचे की तरफ जा रहा है। जो फैक्ट्रियां 1947 में थी, जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे थे, वो आज बंद हो चुके हैं। इसको प्रोग्रेस कहते हैं कि इसको डिस्ट्रक्शन कहते हैं। आप उस कगार पर पहुंच गए हो जहां से शायद वापस आना अब दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और इसके लिए कोई फौज, कोई आपका सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, वहां की आवाम जिम्मेदार है, आप लोग जिम्मेदार हैं। वो इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आप लोगों ने गलतियों पर सवाल नहीं पूछे, आप लोगों ने गलतियों पर प्रोटेस्ट नहीं किया, आप लोगों ने अपना लालच देखा, आप लोगों ने बेईमानी की अपने ही मुल्क के साथ। को आपस में इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं सर, मुल्क के बारे में सिर्फ सोच लें, सिर्फ मुल्क के बारे में सोच लें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान इंडिया और तुर्की से आगे तरक्की कर जाएगा। लेकिन 75 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, इनकलाब आएगा, ये तो वो जिस तरह वो भारत की एक फिल्म नहीं थी नायक, उसमें वो जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हमने ये इश्तिहार पे छपवाया हुआ है, खुशहाली आएगी, ये होगा वो होगा, आपको नहीं लगता हम तमाम वो चीज़ें वो तो फिल्म में उन्होंने दिखाई दी, हमने रियल अपनी आवाम पे इम्प्लीमेंट कर दिया हमारे सियासतदानों ने? सर देखिए, बात ये है, सियासतदान तो बेबस हैं, या तो फिर गवर्नमेंट उनको करने दे। इमरान खान ने 4.25 साल गवर्नमेंट की है ना, केस बनाया नैब में उन्होंने, या तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते, केस के ऊपर भी सजाएं मिलती, चाहे उसमें खुद इमरान खान भी क्यों ना मुलव्वस हो करप्शन में, सजा मिलती। ये बताएं मौजूदा करंट टाइम में कितना आगे देखते हैं भारत को, अभी करंट टाइम की अगर दौड़ देखी जाए, मतलब क्या लगता है कि कोई कंपैरिजन आपको नज़र आ रहा है, मतलब हमारा उनके साथ या उनका हमारे साथ? सर 10 से 100 में कह सकता हूँ। अच्छा, हाँ जी, 10% अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो 100% वो कर रहा है उसके मुकाबले में। 10% में कोई एक चीज़ बताना चाहें जिसमें हम बेहतर हों भारत से? देखिए सर, एजुकेशन में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं भारत से। सर आपको पता है जितने इस टाइम सीईओज अगर देखा जाए तो मतलब बेशक हमसे आगे हैं आईटी में, बेशक भारत हमसे आगे है, नो डाउट, ठीक है ना। यहाँ पे ये है कि अब मैंने मास्टर कर लिया, मेरे पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तालीम इस काबिल नहीं ना है कि यहाँ पे जॉब मिले। इस सर तालीम क्या सर, देखें आप एक पब्लिक सर्विस की अगर कोई सीटें आती हैं, जाली डिग्री केस आपको ज्यादा पूरी दुनिया में किस मुल्क के अंदर? पाकिस्तान में है, साफ जहर है, जाली केसेस पाकिस्तान में है। यहाँ पे एक MNA बैठा होता है, वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सिर्फ एडमिशन भेज देता है, कोई पेपर नहीं देता, आप और मैं उसके पेपर दे आते हैं, वो ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेता है, वो MNA बन जाता है हमारा। तालीमी निज़ाम हमारा बेहतर है भारत से? सर वो ये है कि नौजवान तबके में तालीमी निज़ाम बेहतर है हमारे मुल्क में। आप मतलब बड़े बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये मतलब तालीमी निज़ाम नौजवान तबके में हमारे बेहतर है। उनका नौजवान नहीं पढ़ता? पढ़ते हैं, लेकिन उनके नौजवान को वसायल भी मिलते हैं, हमें वसायल नहीं मिलते आगे। सही, हमें वसायल नहीं मिलते, ये चीज़ है ना, हमें हम दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह आप भी ग्रेजुएशन होंगे, ठीक है ना, मैं मास्टर हूँ। अच्छा, मास्टर हैं आपकी माशाल्लाह, ठीक है ना, सुबह आपको अच्छी जॉब मिल जाए आप छोड़ेंगे उसे? अच्छा वसायल मिल जाए आप छोड़ेंगे उसे? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये इंटरव्यू तो नहीं करेंगे आप, हम रोड के धक्के तो नहीं खाएंगे ना, साफ ज़ाहिर है, मैं देखे रोड के ऊपर बैठा हूँ। जब आपके पास अच्छी काबिलियत होगी तभी अच्छी जॉब मिलेगी, जब आपके पास टैलेंट होगा तभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तभी आप नए आइडियाज लेकर आएंगे,
आप मुझे बताइए कि इतना ही एजुकेशन का अच्छा निजाम है अगर भारत से आपका अच्छा है, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास एक भी यूनिकॉर्न कंपनीज क्यों नहीं है, एक यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है, और हमने पिछले 5 साल में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज बना दी हैं, 100 यूनिकॉर्न। पता नहीं आपको यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब भी पता है कि नहीं है, जाकर गूगल पर सर्च करिए। और जो कहा जा रहा है कि भारत जो है वो यूनिकॉर्न कंपनीज को छापने वाला देश बन गया है, मतलब जैसे मिंट में नोट छापे जाते हैं ना धड़ाधड़ धड़ाधड़, वैसे यहां से यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही हैं। और यूनिकॉर्न कंपनी बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत। और अब बात करते हैं कि हमारा तालीम अच्छा है। अफसोस कि इसी गुबार में आप लोग जीते हैं। चीजी से बात है, अगर मेरे पास अच्छी जॉब होती, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अच्छी जॉब है, एक अच्छी जॉब होती, मेरे पास वसाइल होते, तो साफ जहर है मैं इस टाइम इसी रूम में बैठा होता। लेकिन सर अच्छी जॉब के बावजूद भी अब हालात ऐसे आ गए हैं कि गुजारा अच्छी जॉब वालों का भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में। सर गुर्बत की बहुत ज़्यादा आ गया पाकिस्तान। लेकिन आपने तो मुझे कहा गुर्बत इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में सर फिर वसाइल भी तो है ना, हमारे पाकिस्तान में वसाइल नहीं है भाईजान। अच्छा, इंडिया में वसाइल तो है, हमारे पाकिस्तान में कौन से वसाइल हैं? अरे भैया, तो ये बताइए कि क्या 1947 में इतने ही ज्यादा वसाइल हमारे पास भी थे? नहीं थे। हमने 75 ईयर्स में क्रिएट की है चीजें, हमने 75 ईयर्स में अपॉर्चुनिटीज बनाई हैं, हमने अलग अलग सेक्टर्स पर काम किया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, एग्रीकल्चर हो, एग्रो इंडस्ट्रीज हो, आईटी हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, हमने इन पर काम किया है सर, हमने इन पर मेहनत की है 75 ईयर्स में। तो आज ये अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप बताइए, रेलवे पर हम लोगों ने काम किया तब तो आज वो दुनिया की वन ऑफ द सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज वाली रेलवे है, सबसे बड़े रेलवे संगठनों में शुमार किया जाता है। आपने क्यों नहीं किया? आपने कितने हजार किलोमीटर नई पटरियां बिछा ली सर, उससे भी तो जॉब क्रिएशन होती। आप अगर अपने रेलवे को बड़ा करते तो सोचिए लाखों लोगों को जॉब मिलती, लेकिन आपके पास अकल नहीं है, विजन नहीं है। कोई नहीं, फिर वहां पे जॉब मिल जाती है, बेशक गुर्बत है लेकिन जॉब तो उनको अच्छी, जो पढ़ते हैं उनको जॉब मिल जाती है, किसी ना किसी शोबे में वो इंटरफेरेंस अपने कर लेता है, कोई ना कोई शोबे में एंटर हो जाता है वो। लाजमी नहीं है कि उसने मास्टर किया हुआ है, फिजिक्स में किया हुआ है, लाजमी नहीं है कि उसने जाके टीचर ही लगना होता है भाई। और हैं वो छोटे छोटे से पैसों से, कुछ 2-4-5 लाख से वो कारोबार अपने शुरू कर देते हैं, वो फिर कारोबार में कामयाब हो जाते हैं। अभी क्या लग रहा है, पेट्रोल लोग डलवाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे? सर डलवाएंगे, पाकिस्तान कौम जूते खानों के काबिल है, सीधी सी बात है। ये वो कहते हैं सियाने की मिसाल है, 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। मैं उसमें शामिल हूँ, साफ ज़ाहिर है। अभी मेरी बाइक है, एक मिसाल है, मेरी गाड़ी है, मैं सुबह पेट्रोल डलवाऊँगा जाऊँगा, चाहे 50 रुपये लीटर भी बढ़ जाए। आप यहाँ गाड़ी पे आए हैं, साफ ज़ाहिर अपने घर जाने के पेट्रोल गाड़ी में डलवाएंगे, 500 रुपये लीटर हो जाता है फिर भी डलवाएंगे। भाई साफ ज़ाहिर पाकिस्तान में रहते हैं तो डलवाएंगे ना, साफ ज़ाहिर है। अभी कहाँ जाएंगे हम, चलो पेट्रोल नहीं डलवाएंगे कहाँ जाएंगे? आप बताएं, इंडिया से तेल मंगवाएंगे हम, रूस से जो तेल आना, तो वो पता नहीं अब कहाँ चला गया। सर कैसा लगता है वहाँ पे 100 रुपये लीटर, यहाँ पे डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, मतलब क्या दिल क्या कहता है, मुझे ये बताएं। नहीं है सर, असल पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है, वो सोने की चिड़िया है जो ताकियामत रहनी है, अब बात रहना है बस। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, लास्ट मैसेज अब यह है कि आवाम तो जाग रही है पीटीआई के लिए, लेकिन उसे नहीं लाया जाएगा, पीटीआई को आगे नहीं किया जाएगा। अगला वजीर आजम बिलावल जरदारी को देख रहे हैं, आपको लगता है वो संभाल लेगा? संभाल ले ना संभाल, उसका बाप बैठा है, अभी वो वजीर खारजा वो संभाल रहे हैं मामला। आप बताएं, 1.5 साल में उसने पता नहीं कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं, आज तक किसी वजीर खारजा ने इतने दौरे नहीं किए। कितना कामयाब लगता है अभी वो वजीर खारजा की सीट पे आप? सर देखिए ना, वजीर खारजा की सीट में अगर हम शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में कहें तो शाह महमूद कुरैशी अगर 100 है तो वो 60 से 70% है कामयाब। अच्छा, मतलब इतना है? हाँ जी, नौजवान है, टैलेंटेड है बिलावल जरदारी, ठीक है ना। बस ये है कि वो बाप के अगर नक्शे कदम पर ना चले तो फिर ये मुल्क में तरक्की कर सकेगा बतौर वजीर आज़म। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने बातें सुन ली। खैर हवा भाई, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन वाकई पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस चुका है, IMF के जाल में फंसा है, कट्टरपंथियों के जाल में फंसा है, सेना के जाल में फंसा है, वढेरों के जाल में फंसा है,
जाल ही जाल हैं हर तरफ पाकिस्तान के, सोचिए। और अब ये जाल आपस में इतने उलझ चुके हैं कि इनको सुलझाना करीब करीब नामुमकिन है। आप ब्लैक होल में जाकर वापस आ सकते हैं, शायद अब पाकिस्तान का वापस निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। या तो कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ अलट पलट हो जाए, तभी पाकिस्तान बच सकता है, वरना नहीं बच सकता। और भारत से तुलना करना आप लोग छोड़ दीजिए, भारत कंपेयर के लायक नहीं है आपके, लायक इन द सेंस कि कहां हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, कहां आप 350 मिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, सॉरी बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, फर्क है ना, आप इस फर्क को मिटा नहीं सकते। कहां हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, कहां आपके पास एक भी यूनिकॉर्न नहीं, कहां हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, कहां मार्स पर पहुंच गए हैं, कहां हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, कहां हम सूरज पर लॉन्च करने वाले हैं, वीनस पर मिशन जाने वाला है, एस्ट्रोनॉट लॉन्च करने वाले हैं, और आप बस टेररिस्ट लॉन्च कर रहे हैं। तभी तो बाजौर में वो 50 से ज्यादा लोग मर गए आपके ब्लास्ट में। सोच बदलिए, सोच बदलना बहुत जरूरी है। आप तो ये इस बात को जो मौलवी आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो चीजें आपको बताई जाती हैं कि जी आदम इस धरती पर पहले इंसान आए और वो मुसलमान थे, और आपने इसको सच मान लिया है, और बाकी सबको आपने झूठा करार दिया है। एक आप सच्चे हैं, बाकी सारी दुनिया झूठी है, तो नतीजा सामने है आपके, नतीजा आपके सामने है। दुनिया में दूसरे भी सच हैं जिनको विश्वास करना पड़ेगा, आप अपने झूठ को सच मत मानिए। अब इसमें लोग कहने लगेंगे जी मैं तो एंटी इस्लामिक बातें करता हूं, फैक्चुअल बातें करता हूं मैं। भाई आप कैसे कह रहे हो कि आदम जो थे वो मुसलमान थे, और आप लोग विश्वास कर लेते हो इस पर, क्या प्रूफ्स हैं इसके? आज मैं किसी किताब में लिखकर चले जाऊं कि जी अब फलाने जो भाई साहब इंटरव्यू कर रहे हैं ये हिंदू थे, और आज से 1000 साल बाद उस बात को सच मान लिया जाए कि हाँ भैया ये तो हिंदू ही थे, हमारी किताब में तो लिखा है कि वो हिंदू थे। हाउ? खैर, लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे क्योंकि लॉजिक से तो आप लोग बात करेंगे नहीं, और सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान में यही हुई है कि वो लॉजिक का साथ उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ मूल्यों के हवाले कर दिया, क्योंकि लोगों पर उनका कब्जा है, वोट बैंक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यकीन मानिए जल्दी नहीं सुधरेंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। देखिए सऊदी अरबिया सुधर गया है, सुधर इन द सेंस कि वो चेंज कर रहा है अपने आप को, बदलाव कर रहा है, यूएई बदलाव कर रहा है, देखिए वो लोग खुश हो रहे हैं। टर्की ने भी बदलाव किए, वो अपने आप को यूरोपियन कंट्री दिखाना चाहता है, देखिए वहां के लोग भी खुशहाल हैं। ठीक है अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपसे बेहतर जिंदगी जीते हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री आप देखिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए, तो सीखिए कुछ आप लोग। खैर कुछ ज्यादा बातें कह दी, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही खत्म, वीडियो का टाइम था पाकिस्तान में हलाल होते पाकिस्तान में, ये बात टाइटल बड़ा मज़ेदार था और बात भी सच है, हलाल हो रहे हैं पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर, क्या नहीं हो रहे रातों रात। और जुल्म ये है कि उसके ऊपर हमारे जो वज़ीर आज़म वो ये कहते हैं कि मैंने बड़ा ख्याल किया अपनी पाकिस्तानी आवाम का, मैंने 20 रुपये नहीं बढ़ाया, मैंने 19.95 यानी कि 19.95 बढ़ाया है, और 5 पैसे ना बढ़ाकर पाकिस्तानी कौम और मुल्क पर एहसान किया है। तो बिल्कुल किया यार, ये आप उनका एहसान, 5 पैसे कम 5 पैसे कम उन्होंने किया, और इस पर फिर बयान देते हैं कि हमने अपने लोगों का ख्याल रखा है इसलिए हमें 5 पैसे नहीं बढ़ाया। यार क्या है, क्या कहें इस पर यार, जोक ऑफ द सेंचुरी बन गई है। तो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि बेशर्म है वो बेशर्म आदमी है, एक ये उनको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, अगर उनको पता होता तो थोड़ा सा शर्म करते कि 20 रुपये 5 पैसे अब क्या रह गए हैं। वो तो आपको पता है जो जहाँ फ्यूल डलवाना होता है वही सर। भाई मेन बात हो रही थी ना, मैंने ये सुना है इंडिया के अंदर इंसाफ का जो सिस्टम है
वो बेहतर है हमारा जो है ना थका टूटा हुआ। जब मैंने ये रैंकिंग पढ़ी थी ना बड़ी मैटर करती रुखसार भाई, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर बिल्कुल करती है। मैंने जब रैंकिंग पढ़ी थी ना, ये जो अदालत निज़ाम का, इंसाफ का निज़ाम का जो मैंने रैंकिंग पढ़ी थी, पाकिस्तान 140 प्लस में था 160 में से, तो इंडिया जो था 80 में था, ये 80 प्लस 12 है, ये यहाँ कहीं था, वो साल हो गए, साल हो गए, आप बता कितने रह गए। हमसे दो गुना वो बेहतर है इस वक्त, हमसे दो गुना वो अच्छे हैं, मतलब उनके अंदर निज़ाम हमसे कई फीसद दर्जे दर्जे बेहतर। देखो ना मेरी बात सुनो, जब इन लोगों ने पेट्रोल कीमतें बढ़ानी होती, अक्सर जो है ना रात के 12 बजे और 1 बजे वो इस तरह कॉन्फ्रेंस कर देते हैं भी इतने रुपए तेल बढ़ गए, सुबह उठते हैं तो पता चलता है जी आज ये कीमत आ गई। बात ये है कि हमारी कौम तो सोई हुई है, दिन को बढ़ाए या रात को बढ़ाए, ये तो वाकई है। रुख सर भी ये बिल्कुल बात ठीक है जो आलोक सर ने बात की, उसने कहा है कि भाई ना फौज का कसूर है ना पॉलिटिशियन का कसूर है, सिर्फ कसूर है तो वहाँ की आवाम का कसूर है। ये बात उन्होंने बिल्कुल 100% ठीक की है। जब आप एहतजाज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो फिर लाजमी बात है कि वो जितना मर्जी बढ़ाए, रात को बढ़ाए, दिन को बढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क में जो आवाम है ना, वही सरकर्दा होती, वही उनको इख्तियार देती है कि आप तेल बढ़ाए या जो भी कीमत। असलम भाई मेरी बात सुने ना, मैं थोड़ी सी गलती करें तो वहां पे बोल लेना, तो फिर ये मेरी बात सुने। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ही बोलता हूँ ठीक है, मैं एहतजाज करता हूँ, मेरी पीछे से आके एक बहन को उठा लेते, माँ को उठा लेते, तो मैं क्या करूंगा? नहीं बोले मुझे सबसे क्या इज्जत है ना, यही है ना कि इतने बगैर यार किया जाता कि कोई हमारे खिलाफ बोले ना। ये मैं कहता हूँ कि वो मैंने एक दफा तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना था अल्ताफ भाई का, वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम इसको बहुत गलत समझते थे इस बंदे को, लेकिन अब पता चला कि ये बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसने कहा कि भाई आप सफेद गोरों से आजाद हुए 1947 को। जी जी बिल्कुल, मैंने भी सुना है। आजाद सफेद गोरों से हुए, लेकिन अब आप काले गोरों में फंस चुके हैं और इनसे आजादी लेना बहुत मुश्किल है। असल मैंने पता बात एक और बात हो गई, जो पाकिस्तानी अवाम में चूरन खिलाया जाता है, मैंने यकीन करे अपने महफिलों में, अपने दोस्तों में, जो नहीं जानते, जो नहीं टैक्स, जिनको डाटा स्टैटिक्स नहीं पता, वो आज भी कहते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि इंडिया में भी बहुत गुर्बत है। ये हकीकत बात है, इसी ऐसी कहा जाता है, अभी भी कहते हैं, अभी भी यही होती है, हमारे गांव में लोग समझते हैं बहुत ज्यादा गुर्बत, हमसे ज्यादा गुर्बत है इंडिया में। असल में बात पता है क्या, वहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कहीं यार कहीं वो तो होगा, लेकिन ज्यादातर इस तरह होता है। अक्सर आप देख लें कि रैंकिंग चेक कर लें, जो लोग है ना भूखे, वो ज्यादातर रोड पर इंडिया में सोते हैं, पाकिस्तान में भी है, लेकिन इंडिया में वाकई ज्यादा है। आप देख रहे हैं ना वहाँ की आबादी कितनी है यार, वो तो मेरी बात सुन करता है, आप चले जाए ना, चल मैं इधर फैसलाबाद की लगाता हूँ, फुटपाथ पे लोग सोते नहीं है यहाँ पाकिस्तान का, तो फिर आप भाई आप बता देना, आपकी तो प्रॉपर्टी आप बताए ना, उधर पाकिस्तान के तो मैंने पाकिस्तान के तो वो कहते हैं नाम ही नहीं लेते, वो तो पाकिस्तान को बहुत वो क्या मर्जी, हर इंसान की अपनी राय जो तुम क्या मानते हो इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, ज्यादा तो नहीं है, कम है, बहुत कम है, लेकिन है ऐसे भैया मैं सारे बिल्कुल एक जैसे हो गए, ये बात अमीर तरीन मालिक में भी गुर्बत के गरीब लोग हैं, जो मतलब कुछ दिन हमको दो वक्त की रोटी नहीं मुयसर, तो उन्होंने कहा कि हम एक मरतबा भी लोग ने कहा कि मतलब हमारी सारी हम आवाम। अच्छा रुखसार भाई आपने ये पॉइंट नहीं सुना होगा, कुछ याद मिस कर रहे हैं, बिजोवागा बॉर्डर के ऊपर परेड होती है ना, हाँ हाँ वो भी उधर सवाल है, लेकिन लोग सर मेरे ख्याल है उनको सुनने में कोई मसला आ गया तो वो कहीं और लेके चले गए थे, वो ना पाकिस्तानी आवाम अब नहीं जाती है, इंडियन यानी कि अक्सरियत में आती जिस तरह पहले आती थी उसी तरह आती, हमारी जहाँ हमारी जो है ना वो बैठने की जगह बिल्कुल खाली पड़ी होती है, ये क्यों रीजन है क्या? मैं बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मुतनफर होगी अपनी एस्टेब्लिशमेंट आर्मी से, ये मुतनफर इसलिए नहीं हुई कि इमरान खान ने किया है, मुतनफर इसलिए हुई है कि उनको पता चल गया कि 75 ईयर से हमारे यहाँ साथ हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा चूरन जो है ना इस फौज ने खिलाया है हमें, जो होता है ना कि ये हो रहा है वो, वहाँ पे हमने अटैक किया, वहाँ पे हमने किया, लेकिन असल में जो मेन रीजन थी ना वो इसी फौज की वजह से थी,
तो जिस वजह से अब असल में इसका पर्दाचार जो किया है ना वो इमरान खान ने किया, अंदर की बातें जो है ना इमरान खान की वजह से हुई। बिल्कुल हम असल में ये जो सियासतदान आपस में आम बचोली खेल रहे थे ना, इसके पीछे जो मेन थे ना वो यही सरकार हैंडलर्स, वो यही समय के तारे सब की उनके हाथ में थी। हाँ। वो जिस तरह जिसको नचाते थे नचाते, और आवाम को बेवकूफ बनाया जाता था इनके लिहाज से कि ऐ वतन के सजीले जवानों, इस तरह का नगमा लिख दिया। ये पुत्र जो था ना मंजूर पश्तीन, उसने मैं पहले उसे कभी नहीं सुनता था, मैं भी समझता था कि गद्दार है, लेकिन जब हम सुनता उसकी बातें सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कह रहा है कि जो भी करते हैं ना ये खुद करवाते हैं और खुद पैसे डॉलर फंडिंग लेते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ जंग करने जा रहे हैं, इनका पाकिस्तान करेंसी से नहीं कुछ बनता, कुछ नहीं बनता। रात को इमरान खान ने क्या स्पीच की, यही कह रहा है कबाली इलाके जो मुश्किल से ऊपर उठ रहे हैं ये मोर उसी तरह के पहले तरह के अटैक वगैरह इस तरह कर रहे हैं, ये ये सोच रहे भी खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है ये ग्राउंड पे जब गुस्सा दिखाएगी ना आवाम, इनको फिर पता चलेगा। तब भी तो ये दहशत गर्द बनते हैं जब किसी को जलील कर दिया जाता है, जब जिसका कुछ बचता नहीं ना वो कहता यार मैं तो उजड़ गया हूँ सामने वाले को उजाड़ दो। यही होता है दूसरा असलम भाई भी, जब असल हो मेरे माई बाप को उठा लेना, मेरे बहन भाइयों को भाई यही है कि जब आपका मुहाफ़िज़ आपका घर का खुद चोर, मैं कहता हूँ खुदा के लिए मैं अपनी आर्मी को रिक्वेस्ट करता हूँ यकीन करें ये अपने हदूद में आवाम जो चाहती है ना उनको आगे आने दिया, आप क्यों दखल अंदाजी करते हैं आपके ऊपर पता क्या होने जा रहा है। ये अफगानिस्तान के साथ लगाने जाने जंग इस नाम पर उधर से टेररिस्ट आते हैं और उससे क्या करेंगे, जो ह्यूमन राइट्स की है ना ऑर्गेनाइजेशन उनको बुलाएंगे और यूएसए से डॉलर लेंगे, क्योंकि डॉलर है ना बंद हो गए जब से अफगानिस्तान से निकला है ना वो अमेरिका, तो ये डॉलर बंद हो गए पाकिस्तान के मर रहे हैं यार। और उनको वो गोटू आ गया, वो गोटू बोलते हैं पंजाबी में, इनके तो सांस बंद हो गया यार। रुखसार भाई मैं कहता हूँ इज्जत जो होती ना बड़ी चीज होती है, इज्जत करवाएं, पैसे आने जाने की बात होती कभी होते हैं कभी नहीं होती। मैं और आप कह सकते हैं कि इज्जत बड़ी चीज होती है। इंडिया के वाघा बॉर्डर पर इंडिया की आवाम का अपनी आर्मी के साथ सपोर्ट करना इस बात की दलील है कि उनकी आवाम अपनी आर्मी के साथ है, और आर्मी जो है आवाम का ख्याल रखती है और मुदाखलत नहीं करती, और पाकिस्तान की लोगों का अपनी वाघा बॉर्डर पर ना जाना इस बात की दलील है कि अब हमारे लोग उनसे मुतनफर हो रहे हैं और वो टांग अड़ाते हैं हर चीज हो गए नहीं नहीं जाते हैं यार देखना पसंद भी नहीं करते। बीबी आपने वीडियो देखी होगी जो बजोड़ में जो धमाका हुआ ना, तो आर्मी वाले फौरन आए मदद के लिए, वहाँ की वहाँ ने आर्मी को जो है ना भेज दिया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मदद लेनी नहीं है, उन्होंने मदद ली नहीं, वो पीछे बड़ा बेशरम होकर वापस चले। ये आप खुद हमारी बातें क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है मेरी बात सर भाई, हमारी बातें छोड़ दें आपको बुरी लगती होगी, आप सुनते भी कहीं होंगे लेकिन देखें ना आपके साथ हो क्या रहा हो गया। यही तो हमें ये नहीं कहा हमें हम कोई आपको हक की बात और सही कहते हैं लोग सारे कहने बुरी लगती है, लोग सारे कहने या मेजर साहब कहने या किसी कहने कहने, ये खुद अब हमें एहसास हो गया कि यार 75 हमारा कोई वजीर आजम 5 साल पूरा नहीं कर पा रहा, क्यों वजह क्या आखिर मेरी बात। चल मान लेते शहबाज शरीफ में सॉरी दूजा पहले नहीं नहीं वो जिलानी साहब आया था वो 5 साल नहीं कर सका था, अब फिर आया नवाज शरीफ वो नहीं कर सका, फिर इमरान खान कोई नहीं कर सका। एक जनरल सी बात है, आप देख लें कि हमारा जो आप दिल से जवाब दीजिएगा कि हमारा जो इस वक्त का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उसमें कोई क्रेडिबिलिटी है वजीर आजम बनने, कोई भी नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने आगे लगाया हुआ है। आज तो उसका बयान ही आया वजीर शहबाज शरीफ का, उसने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि ये मतलब क्या है इसका पिट्ठू है फौज का तो है इसी तरह उसने खुद माना है, उसने कहा मैं हूँ, उसने कहा मैं हूँ, उसने खुद एक्सेप्ट किया खुदा नखास्ता कहीं जंग ना लग जाए, अवाम ने अभी इनको सपोर्ट ही नहीं करना, ये फौजे लड़ती अवाम की सपोर्ट पर अपने दम पर नहीं लड़ती। इसी तरह मैं कहता हूँ दो राय नहीं है, मिलते नहीं, तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह।